सीएसआईआर की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में 50वें शांति स्वरूप भटनागर स्मारक क्रीड़ा महोत्सव की मेजबानी का धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर को मिली है। गुरुवार को इसकी विधिवत उद्घाटन सिम्फर ग्राउंड में किया गया। इस खेल के महाकुंभ में सीएसआईआर के देश भर के 35 प्रयोगशालाओं में तैनात वैज्ञानिक बतौर खिलाड़ी शामिल हुए। करतल ध्वनियों से लगातार स्वागत किया जाता रहे। दूसरे स्थान पर आने वाली टीम है सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। ये टेबल टेनिस के लिए हमारे बीच में है। तीसरे स्थान पर सीबीआरआई रुड़की, ये क्रिकेट टीम के लिए हमारे साथ है। चौथे स्थान पर सीएसआईआर सीसीएमबी बैडमिंटन टीम। पांचवें स्थान पर सीडीआरआई लखनऊ बैडमिंटन टेबल टेनिस और ब्रिज के लिए। अगली टीम है सीसीआरआई कराईकुड़ी क्रिकेट। मैसूर की टीम सामने से गुजर रही है वॉलीबॉल बैडमिंटन टेबल टेनिस ब्रिज। सीजीसीआरआई कोलकाता। इस दौरान खिलाड़ियों ने शपथ भी लिया। वहीं धनबाद के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुत किया। सिम्फर के निदेशक प्रदीप सिंह ने बताया कि जोनल प्रतियोगिताएं देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ, पर फाइनल का आयोजन पहली बार सिम्फर को मिला है। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 500 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ब्रिज, शतरंज और कैरम का फाइनल यहाँ होना है। खिलाड़ी खेल भावना से खेले, यही कामना करता हूँ। वहीं खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार से खेल प्रारंभ होगा। जैसा कि आप लोग को विदित है, यहाँ पर सीएसआईआर का जो शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट है, उसका 50वां महाकुंभ, खेल का महाकुंभ यहाँ मनाया जा रहा है सिम्फर धनबाद में। और हम इसके लिए डॉक्टर पीके सिंह जो यहाँ के निदेशक, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर सीएसआईआर की 35 लैबों से लगभग 500 खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं। ट्रॉफी का अनावरण कर दिया गया है। लगभग 500 खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं और 8 प्रतिस्पर्धा यहाँ पर होंगी। और जो नई चीज़ हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, वो वुमेन्स क्रिकेट है। और ये सब सीएसआईआर के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी हैं जो लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। और एक बहुत अद्भुत दृश्य यहाँ पर होगा कि हम इस प्रकार की एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आयोजित करेंगे। इसके लिए लगभग 3 दिन का समय दिया गया है 8 प्रतिस्पर्धाओं के लिए, जिसमें कि टेबल टेनिस है, ब्रिज है, कैरम चेस है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, और जैसा हमने कहा कि महिलाओं का क्रिकेट प्रतिस्पर्धा भी है इसमें। पुनः हम आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिक लोग बहुत अच्छा खेलते भी हैं और वैज्ञानिक ढंग से खेलते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत सीएसआईआर ने करी है जो 50 वर्ष पूरी करी गई और आज तक उसको हम कायम रख पाए, इसके लिए हम सारे खिलाड़ियों को बधाई देते हैं और पुनः निदेशक और पूरी इनकी टीम को, सिफर की टीम को धन्यवाद बधाई देते हैं। सीएसआईआर का 50वां शांति स्वरूप भटनागर टूर्नामेंट हो रहा है और आपको ये जान को खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिक अधिकारी बच्चे खिलाड़ी भी हैं
और उसका फाइनल हमें अवसर मिला सिंह में धनबाद में पहली बार हो रहा है। तो ये धनबाद के लिए गौरव की बात है कि पूरे भारत का महाकुंभ वैज्ञानिकों का कर्मचारियों का अधिकारियों का हुआ है और आपको दिक्कत खुशी होगी आप दो दिन तीन दिन आप यहाँ पर आकर देखेंगे कि बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। बारी बार मैच क्रिकेट का मैच दिगवाडी और बरवा रोड कैंपस में होगा। मैं आप पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर आए और ये देखें कि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ साथ खेल के क्षेत्र में कितनी परंपरा है। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ खिलाड़ी भी हैं, इसलिए हम उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वास्तव में जैसा गौरव साहब ने कहा, कुंभ है वैज्ञानिकों का, ये गौरव की बात है धनबाद की। धनबाद के लिए गौरव की परंपरा है, गौरव है कि CSIR ने, हमारे मंत्रालय ने निर्णय किया कि धनबाद में इसका समापन समारोह होगा, फाइनल मैच होगा और करीब करीब 500 खिलाड़ी पूरे भारत से, दक्षिण से लेकर के उत्तर से लेकर के पालमपुर तक से आए हुए हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि हमें मेजबानी बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोग कोलकाता में आए, कल रात को थके हुए थे पर सुबह जैसे ही धनबाद में आए हम लोग एकदम फ्रेश हो गए। देखते हुए मौसम वगैरह बहुत अच्छा था तो बहुत फ्रेश है, ऐसा लग ही नहीं रहा थके हुए। आज शाम हो गई तो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत फ्रेश है करके, बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। हम यहाँ पे बैडमिंटन के आए हैं, सर बैडमिंटन टीम इवेंट और सिंगल दोनों इवेंट के लिए, और ब्रिज भी है और चेस भी है, दो तीनों वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी है, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब इंस्टीट्यूट हम लोग को इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि सब कुछ करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर स्पोर्ट्स के रहे तो हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका मानना है कि अगर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो इसके लिए हम लोगों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए इंकरेज करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो बताते काम के साथ ये भी होना चाहिए ताकि काम में उससे बढ़ती होती है, ताकि स्पोर्ट्स खेलते तो दिमाग भी अच्छा रहता है। उसके वजह से वो लोग बोलते हैं नहीं आप स्पोर्ट्स में खेलो करके।